बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, खाली पेट लहसुन खाने के 8 ऐसे फ़वाइद जो शायद पहले आपको मालूम ना हो। नाज़रीन, लहसुन बहुत ही फ़ायदेमंद मगर सस्ती चीज़ है। ज़माने कदीम से लोग लहसुन का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। रूम, मिस्र, ईरान, यहूद, अरब और दुनिया के बेशुमार हुकमा ने लहसुन के फ़वाइद के बारे में तफसीलन लिखा है, मगर किसी एक ने भी आज तक लहसुन के इस्तेमाल को ख़तरनाक नहीं लिखा। नाज़रीन, आज हम आपको लहसुन के खाली पेट के फ़वाइद बताने जा रहे हैं। नंबर एक, हर सुबह देसी लहसुन का एक या दो जो खाना बहुत मुफीद होता है। लहसुन का जो छील कर इसको चम्मच में रख कर दबा दे यानी पीस कर खा ले, ऊपर से लीमू मिला पानी पी ले तो इससे न सिर्फ खून की रवानी बेहतर हो जाती है बल्कि इंसान के पेट की चर्बी कम करके मोटापा ख़त्म करता है। नंबर दो, लहसुन एक कुदरती एंटीबायोटिक है और सर्दियों में इसके इस्तेमाल से कांसी, नज़ला और ज़ुकाम जैसे मूजी मरज से महफूज रहता है। नंबर तीन, लहसुन खून को पतला करता है जिससे आपके खून की गर्दिश तेज़ हो जाती है और इसके साथ साथ ब्लड फिशार खून से भी निजात मिलती है। नंबर चार, लहसुन को खाली पेट खाने से पेट में मौजूद बैक्टीरिया जो पेट खाली होने की वजह से कमज़ोर हो चुका होता है और लहसुन की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, जिससे आप सेहतमंद और कई बीमारियों से महफूज रहेंगे। नंबर पाँच, अगर खून की शरियाने बंद होने लगे तो रोज़ाना खाली पेट लहसुन के इस्तेमाल से बहुत जल्द आपको महसूस होगा आपकी तबीयत बहाल हो रही है। नंबर छः, अगर आपको बहुत जल्द बीमारी का मसला दरपेश है तो खाने में लहसुन की मकदार बढ़ा दे, इससे आपके जिस्म में जहरीले मादे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जल्द तरोताज़ा और सेहतमंद नज़र आने लगेगी। नंबर सात, लहसुन के इस्तेमाल से असाबी कमज़ोरी का मसला बहुत जल्द हल हो जाता है, जबकि आपके असाब को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करता है। नंबर आठ, खाली पेट लहसुन खाने से आपके जिस्म का मुदाफियत निज़ाम मजबूत हो जाता है, जिससे इंसान जिस्म में बीमारी से लड़ने वाले जरासीम ताकतवर हो जाती है, बीमारियों के ख़िलाफ़ कुव्वती मुदाफियत पैदा हो जाती है। नाज़रीन, लहसुन के इस्तेमाल का के और भी बेशुमार फ़वाइद है, इसलिए लहसुन को अपने मामूल के खानों का हिस्सा बना लें ताकि आप बीमारियों से बच सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दे, खुदा हाफिज़।